हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोशाम चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो या यूट्यूब वीडियोस बनाते हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूँ यूट्यूब वीडियोज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लोज कैप्शन और सबटाइटल के बारे में। अगर आपने नहीं सुना क्लोज कैप्शन या सबटाइटल क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कोई इंग्लिश मूवी या किसी दूसरी लैंग्वेज की मूवी देख रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा नीचे उसमें कुछ लिखकर आता रहता है, उसे हम बोलते हैं सबटाइटल या फिर क्लोज कैप्शन। अब बात करते हैं क्लोज कैप्शन और सबटाइटल से फायदा क्या है। तो दोस्तों, अगर आपके वीडियो में क्लोज कैप्शन लगे हुए हैं या सबटाइटल लगे हुए हैं, तो उसका सबसे पहला फायदा तो यही है, अगर आपका वीडियो कोई देख रहा है और मान लो वहां पर काफी नॉइजी एटमॉस्फेयर है और आपकी आवाज उसको क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, तो वो आपके क्लोज कैप्शन या सबटाइटल को पढ़कर आपकी बात को पूरी तरह से समझ लेगा, जिससे आपका वीडियो अच्छा खासा रैंक हो जाएगा। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे बहुत बड़ी ऑडियंस आपको मिल जाती है। मान लो आपका वीडियो हिंदी में है और कोई फॉरेनर है जिसे हिंदी नहीं आती, या मान लो अपने देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती और वो आपका वीडियो देख रहे हैं, तो वो आपके जो कैप्शन या सबटाइटल है उन्हें पढ़कर आपकी बात को काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है, जिन वीडियोज में क्लोज कैप्शन यानी सबटाइटल्स लगे होते हैं उन्हें गूगल सर्च इंजन काफी ऊपर रैंक कराता है, तो उन सबटाइटल्स की वजह से जो सर्च इंजन है वो हमारे वीडियो काफी अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उसे रैंक करा देते हैं। तो ये तीन सबसे बड़े फायदे हैं क्लोज कैप्शन या सबटाइटल लगाने के। तो आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने वीडियो पर क्लोज कैप्शन यानी सबटाइटल कैसे लगा सकते हो। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर पर। सबसे पहले आपको अपने YouTube में साइन इन कर लेना है, लॉग इन कर लेना है, और उसके बाद खोलना है क्रिएटर स्टूडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि क्लोज कैप्शन या सबटाइटल्स होता क्या है, कैसे हम उसे देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा दूं, एक मेरा वीडियो है, तो जिस किसी भी वीडियो को जब आप प्ले कर रहे हो तो उसके नीचे अगर सीसी लिखा हुआ आ रहा है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो सीसी लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब इस वीडियो के अंदर क्लोज कैप्शन या सबटाइटल लगे हुए हैं। अब आपको वो दिख क्यों नहीं रहे हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमें अपने सीसी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबटाइटल या क्लोज कैप्शन हमें दिखाई देने लगेंगे। जैसे आप ये देख रहे हो, ये लिख के आ रहा है, हिंदी में आ रहा है ये लिख के, ये है सबटाइटल या फिर आप इन्हें क्लोज कैप्शन भी कह सकते हो, जैसे ये लिख के आ रहा है। तो आप देखो, अगर आप इसमें आपको अगर कोई भी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, तब भी आप समझ सकते हो कि वीडियो में बोलने वाला क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये सब लिख के आ रहा है। तो सबटाइटल्स का दोस्तों यही फायदा होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम अपने वीडियोज में सबटाइटल या क्लोज कैप्शन लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने YouTube में लॉगिन कर लेना है, उसके बाद खोलना है क्रिएटर स्टूडियो। क्रिएटर स्टूडियो में आप जाएंगे तो इस तरह से आपको वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। मान लेते हैं इस वीडियो पर हमें अपना क्लोज कैप्शन या सबटाइटल लगाने हैं, तो वो कैसे करेंगे, जैसे आपको एडिट का बटन यहाँ दिख रहा है, इसके साथ में ये एरो दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो इसमें नीचे आपको ऑप्शन दिख जाते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन आ रहा है सबटाइटल सीसी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हो एक विंडो ओपन हो चुकी है। जैसे ये विंडो ओपन होगी तो आपको साइड में यहाँ दिख रहा है एड न्यू सबटाइटल और सीसी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, जैसे आप देख रहे हो 190 अदर लैंग्वेजेज, मतलब 190 लैंग्वेजेज में आप कैप्शंस लिख सकते हो। तो हम हिंदी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने हिंदी पर क्लिक किया तो इस तरह से ये चेंज हो गया है। देखो, आप सबटाइटल या क्लोज कैप्शन क्रिएट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है पहला ऑप्शन आ रहा है अपलोड अ फाइल, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपने अगर कोई, जैसे ये लिख के आ रहा है अपलोड टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन और टाइम्ड सबटाइटल फाइल, अगर आपने पहले से ही कोई फाइल बना रखी है तो उस फाइल को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो YouTube आपके वीडियो के हिसाब से उसको अपने आप ही सिंक्रोनाइज कर देगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो ये सबटाइटल्स को अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज कर देता है, हिंदी लैंग्वेज में इसमें दिक्कत आती है। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए भी ऑप्शंस यहाँ पर, जैसे आप दिख रहे हो सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू सबटाइटल और सीसी, यहाँ पर आप मैनुअली हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर सबटाइटल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो यहाँ पर और भी हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अपलोड अ फाइल मैंने बताया, दूसरा आ रहा है ट्रांसक्राइब एंड ऑटो सिंक्रोनाइज। अगर आपका वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो हम यहाँ पर ट्रांसक्राइब एंड ऑटो सिंक्रोनाइज कर देंगे तो अपने आप ही सबटाइटल क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो हमारा हिंदी लैंग्वेज में है इसलिए हमें मैनुअली सबटाइटल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें करना है सिंपली क्रिएट न्यू सबटाइटल पर क्लिक कर दीजिए।
जैसे ही आप क्रिएट ए न्यू सबटाइटल या क्रिएट ए न्यू सीसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर सिंपली आपको प्ले करना है। जैसे ही आप प्ले करोगे और इसमें जो भी बोल रहे हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, मान लो मैं लिख देता हूँ हेलो कैसे हो, जैसे मान लो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हो। मान लो आपका वीडियो हिंदी में है, आपने हिंदी में समझाया है, लेकिन अगर आप कैप्शन इंग्लिश में डाल देते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अगर जिसको हिंदी नहीं आती है वो भी आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाएगा। जैसे अब मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, उसके बाद आप प्ले करके देखोगे तो यहाँ पर ये आ गया है हेलो कैसे। ऐसे ही आप सारे सबटाइटल्स क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपने वीडियो में बोला है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना। लेकिन दोस्तों मैनुअली सबटाइटल को टाइप करना काफी मेहनत और पेशेंस का काम है, इसलिए आप धीरे धीरे भी टाइप कर सकते हैं। मान लो 2 मिनट 1 मिनट का आपने अभी टाइप कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे भी आप टाइप कर सकते हैं, जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसको आप पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबटाइटल और कैप्शन हमारे वीडियोस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे हर वीडियो में क्लोज कैप्शन या सबटाइटल हमें लगाने चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू।